अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, ओ नारायण फूल चढ़ौला पाती मेरी छैला, नारायण फूल चढ़ौला पाती मेरी छैला। बेड़ूपा को बारमासा, बेड़ूपा को बारमासा, ओ नारायण काफल पाको चेता मेरी छैला, नारायण काफल पाको। दिसंबर 1955, दिल्ली की एक सर्द दोपहर, तीन मूर्ति भवन के सभागार में बर्फों के फाहों जैसी मखमली आवाजों में ये गीत एक कोरस में गूंज रहा था। बेड़ू पाको बारामासा, ओ नारायण कफल पाको चैता मेरी छैला। इस सभागार में एक ऐसा स्वागत समारोह चल रहा था जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। सोवियत संघ के प्रमुख निकोलाई बुल्गेनिन और निकिता ख्रुश्चेव हाल ही में आज़ाद हुए भारत के मेहमान थे, जिनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारतीय लोक संगीत के चुनिंदा गीतों को इन मेहमानों के स्वागत के लिए चुना गया था। इन्हीं में शुमार था जादुई संगीत में पिरोया सुदूर उत्तर के पहाड़ी अंचल कुमाऊं का ये खूबसूरत गीत। कुमाऊं के लोक कलाकारों की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी इस गीत के संगीतकार कॉमरेड मोहन उप्रेती और नईमा खान की जोड़ी। तीन मूर्ति के सभागार से उस रोज उठी बेड़ू पाको की गूंज फिर पूरे देश में कुमाऊं और आगे चलकर उत्तराखंड का ही पर्याय बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है उदिता देवरानी और गाने के बहाने में आज हम किस्सा सुनाएंगे इस ऐतिहासिक गाने बेड़ू पाको बारामासा का। उन्नीस की कोई एक पहाड़ी शाम थी, अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर के पास उद्दा यानी उदय सिंह की चाय की टपरी में चूल्हे पर रखी चाय खोल रही थी। उदय सिंह ने केतली उठाकर कांच के दो गिलासों में चाय उडेली और सामने लकड़ी के लंबे बेंच पर बैठे दो नौजवानों की ओर लहराते हुए बढ़ा दी। चाय की टपरी पर पहुंचे ये दोनों नौजवान एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन सर्द शाम में चाय की तलब और इसकी गर्मी को दोनों ही करीब से जानते थे। यहीं से दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें से मोहन उप्रेती की शाम तो अक्सर उदय सिंह की चाय की टपरी पर गुजरती थी, लेकिन दूसरे महाशय नए थे। वो गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल में टीचिंग की ट्रेनिंग के सिलसिले में अल्मोड़ा आए हुए थे। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत बढ़ी तो परिचय हुआ। मोहन उप्रेती ने संगीत और खासकर कुमाऊनी के लोक संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में जब इन महाशय को बताया तो उन्होंने पूछा, क्या आपने बेड़ूपा को बारामासा गीत सुना है? मोहन उप्रेती पहली बार ये बोल सुन रहे थे। उन्होंने इनकार किया और इन महाशय से गुजारिश की कि क्या वे इसे गाकर सुना सकते हैं। इस शख्स ने अपनी लोक शैली में बेड़ू पाको की पहली पंक्ति गाकर सुना दी और फिर कुछ झेपते हुए ठहरे और मुस्कुराकर बोले, आगे के बोल तो मुझे याद नहीं। मोहन उप्रेती अपनी किताब कुछ मीठी यादें कुछ तीती में उस शाम का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मुझे बोलों के बजाय धुन अधिक आकर्षक लगी। एक कागज के पुर्जे पर मैंने वह पहली पंक्ति लिखकर अपने पास रख ली। गीत के प्रारंभ के ये बोल और वह धुन मेरे अंदर बड़ी तीव्रता से चक्कर लगाने लगी। लोक की स्मृतियों में तैरते इस गीत की आमद
लोक कलाओं के एक भावी पुरोधा के दिमाग में हो चुकी थी। इस गीत की शुरुआती पंक्ति और धुन ने मोहन उप्रेती को भीतर कहीं बेचैन कर दिया। उन्हीं दिनों अल्मोड़ा की एक और विलक्षण प्रतिभा से मोहन उप्रेती की नई नई दोस्ती हुई थी। ये शख्स थे रंगकर्मी, लेखक और कवि ब्रिजेंद्र लाल शाह। उद्दा की उसी टपरी पर अक्सर ब्रिजेंद्र लाल शाह और मोहन उप्रेती मिला करते थे, जहां उस अनजान आदमी से उन्होंने पहली बार बेड़ूपाको की पहली पंक्ति सुनी थी। मोहन उप्रेती की जुबान पर वही धुन चढ़ी हुई थी। अपने संस्मरण मेरी लोक यात्रा माटी से मंच तक में ब्रिजेंद्र लाल शाह लिखते हैं, अल्मोड़ा में मोहन उप्रेती ने उदय सिंह की चाय की दुकान में उक्त गीत की स्थायी धुन को द्रुत लय में मुझे सुनाया। धुन सुनकर मैं फड़क उठा और उस गीत के लिए अंतरा जुटाने में लग गया। इस कार्य में मैंने कुमाऊनी लोकगीतों, पहेलियों और मुहावरों के संकलनकर्ता स्वर्गीय चौधरी लाल वर्मा द्वारा मुझे लिखवाई गई कुछ न्योलियों को अंतरे के रूप में जोड़ा और विश्व शांति आंदोलन के लिए अंतिम अंतरा खुद लिखा। ये भी दिलचस्प है कि वो अंतिम अंतरा अब अक्सर इस गीत के साथ नहीं गाया जाता जो ब्रिजेंद्र लाल शाह ने इसमें जोड़ा था, लेकिन मोहन उप्रेती की किताब कुछ मीठी यादें कुछ तीती में इसका जिक्र मिलता है। और ये कुछ यूं है कि लड़मरी के होलो नारेणा, लड़ाई छ धोखा मेरी छैला, हरी भरी रई चैंच नारेणा, धरती की कोख मेरी छैला। इस किताब में मोहन उप्रेती आगे लिखते हैं, जब गीत में नए चरण जोड़े जा रहे थे तो मुझे लगा कि पुरानी धुन भी बदल देनी चाहिए और मैंने उसे बदल दिया। एक नई धुन का निर्माण कर उसमें वे सारे बोल बैठा दिए। गीत का कलेवर ही बदल गया था। गीत पूरा हुआ और कालांतर में न मालूम कहां कहां और कितनी बार इसे गाया गया। ब्रिजेंद्र लाल शाह के रचना कर्म पर शोध करने वाले लेखक कपिलेश भोज अपनी किताब लोक का चितेरा ब्रिजेंद्र लाल शाह में जिक्र करते हैं, पहली बार इस गीत का प्रदर्शन मोहन उप्रेती और ब्रिजेंद्र लाल शाह ने राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की छात्राओं के साथ अक्टूबर 1952 में नैनीताल में शरदोत्सव के अवसर पर रिंक हॉल में किया। सभी दर्शकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस नृत्य गीत को सुनकर झूम उठे थे। धीरे धीरे इस गीत की शोहरत इन दोनों कलाकारों की शोहरत भी बनती गई। हालांकि वे कुमाऊं के लोक में पसरे कई और गीतों और कहानियों पर नाटक और नृत्य नाटिकाएं बनाने और उनके मंचन का काम लगातार करते रहे, लेकिन इस गीत की लोकप्रियता का आलम यह बना कि अब यह गीत इस मंडली के लगभग हर एक कार्यक्रम में गाया जाने लगा। और बाद में इसकी प्रसिद्धि तीन मूर्ति भवन के उस ऐतिहासिक समारोह तक भी जा पहुंची। कहा जाता है कि उस सभागार में मौजूद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जहन में ये गीत कुछ ऐसे दर्ज हुआ कि यह उनका भी सबसे पसंदीदा लोकगीत बन गया। इसके गायक और संगीतकार मोहन उप्रेती को उन्होंने बेड़ूपाकू बॉय के नाम से नवाजा। तीन मूर्ति भवन में मोहन उप्रेती, उनकी पार्टनर नईमा खान और उनकी मंडली ने जब इस गीत की तान छेड़ी तो इसकी धुन को रूबी दत्त की खूबसूरत नृत्य प्रस्तुति ने संगत दी थी। रूबी दत्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पीसी जोशी की पत्नी और चिटगांव विद्रोह की अभियुक्त रही क्रांतिकारी कल्पना दत्त की बहन थी। मोहन उप्रेती कुमाऊं की लोक कलाओं की ओर अपने रुझान को और गहरे ले जाने का श्रेय इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से बनी करीबी और कॉमरेड पीसी जोशी को देते रहे। दूरदर्शन को दिए उनके इस इंटरव्यू की एक झलक देखिए। इलाहाबाद में वहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ मैं IPTA और कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आया। IPTA के प्रभाव ने मुझे फिर आकर्षित किया लोक कलाओं की तरफ। जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे पीसी जोशी, वो अल्मोड़ा आए और उन्होंने मुझे ये कहा, ये जो प्रदेश है, ये जो रीजन है, ये अंचल जो है, ये लोक कलाओं में बहुत रिच है, यहाँ लोक कलाएं बहुत अच्छी हैं, तो इनका तुम क्यों नहीं अध्ययन करते हो और इन्हीं के माध्यम से तुम जनता की सेवा करो। कपिलेश भोज अपनी किताब में लिखते हैं,
कॉमरेड पीसी जोशी की पहल पर ही बाद में बेड़ूपाको का यह नृत्य गीत रूस भी ले जाया गया और मॉस्को रेडियो और दूसरे समाजवादी देशों के रेडियो स्टेशनों से कई सालों तक इसे प्रसारित किया जाता रहा। बेड़ूपाको गीत की इस यात्रा में भारत चीन युद्ध की भी एक भूमिका है। हुआ यूं कि साल 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा तो सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे कम्युनिस्ट लोगों को नजरबंद कर लिया गया और बाद में जब उन्हें छोड़ा गया तो कई लोगों के खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स जारी कर दिए गए, यानी उन्हें अपने जिलों में आने की अनुमति नहीं थी। मोहन उप्रेती के साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्हें दिल्ली आना पड़ा। 1963 में अगस्त के महीने में शायद, हाँ, मुझे जेल से छोड़ा गया था और उसके बाद मुझे दिल्ली आने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरे ऊपर वो ऑर्डर सर्व हो गया था, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर, और सातों पहाड़ी जिलों से कहा गया था कि मुझे जाना पड़ेगा बाहर। और मैं उन दिनों म्यूजिक क्रिटिक की तरह भी काम करना मैंने शुरू किया, जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसका रिव्यू लिखता था, कुछ लेख और लिखता था और अखबारों के लिए, और साथ साथ कहीं भी अगर म्यूजिक कंपोजिशन का काम मिले तो वो भी करता था। लेकिन दिल्ली आने के इस संयोग ने उनकी प्रतिभा को और भी व्यापक मंच दिया और यही बात बेड़ूपाको गीत के लिए भी लागू हुई। 1968 में मोहन उप्रेती और प्रवासी उत्तराखंडी कलाकारों ने दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की। पहाड़ी लोक संस्कृति को राष्ट्रीय मंच दिलाने के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था साबित हुई। हरोहित लोक गाथा की इस मंचन में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मध्य हिमालय क्षेत्र की लोक गाथाओं का मंचन पर्वतीय कला केंद्र प्रतिवर्ष करता है और यह उसका नवा प्रयास है। बेड़ूपाको के सफर में लोकप्रियता का दूसरा दौर तब आया जब कुमाऊनी गायकी के सबसे मशहूर गायकों में शुमार गोपाल बाबू गोस्वामी ने अपनी आवाज में इसे रिकॉर्ड किया। इसके बाद तो ये गीत रेडियो और रिकॉर्ड्स की शक्ल में पहाड़ों के कोने कोने में बजने लगा। नरण का फल पाको चेता मेरी छैला, नरण का फल पाको चेता मेरी छैला। बेड़ूपाको इतना मशहूर हुआ कि इसे कुमाऊं रेजिमेंट का ऑफिशियल सॉन्ग भी बनाया गया और गढ़वाल राइफल्स का बैंड भी अक्सर इस गाने की धुन बजाता सुनाई देता है। उत्तराखंड और पहाड़ का जिक्र आते ही कई मशहूर हस्तियां बेड़ूपाको गुनगुनाने लगती हैं, चाहे वो पहाड़ी जवानों के बीच अनुष्का शर्मा हो, मंच पर गाती उर्वशी रौतेला या किसी कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन जैसे मशहूर कलाकार। सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि कई विदेशी मंचों पर भी बेड़ूपाको विदेशी उच्चारणों में गाया जाता सुनाई देता है। बेड़ूपाको बारामासा गीत से जुड़ी ये दिलचस्प जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने और कैमरे के पीछे थे अक्षत मलेठा। गाने के बहाने का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही दिलचस्प किस्सों की कड़ियाँ बारामासा। बेड़ूपाको बारामासा, ये जो गीत बेड़ूपाको बारामासा, इसके कुछ बोल मुझे मालूम थे, मेरे मित्र श्री ब्रिजेंद्र लाल शाह ने इस गीत को लिखा और मैंने इसकी धुन को परिवर्तित किया और ये गीत हिंदुस्तान में गाया गया, इसके बाहर गाया, हमारे देश के बाहर गाया गया, आज पुलिस बैंड्स इसको बजाती हैं। नरण ज सुने नितालो मेरी छैला हो, नरण ज सुने नितालो मेरी छैला।